आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ गाजर और हरी मिर्च का तीखा चटपटा अचार, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो गाइज, रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार की गई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइज, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो गाइज, मेरा नाम है उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। आज हम बनाएंगे ढाबे वाला गाजर और हरी मिर्च का अचार। तो यहाँ पर हमने दो गाजर, लगभग 350 ग्राम के करीब है ये, और यहाँ पर 100 ग्राम हरी मिर्च ली है तीखी वाली। इन्हें हमने वॉश करके सुखा लिया है और अब हम इनके डंठल अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे मिर्च के डंठल तोड़कर अलग कर दिए हैं और अब हम गाजर को छील लेंगे। गाजर को हमने धो लिया था और अब हम इन्हें छील लेंगे। तो इनका हेड एंड टेल पार्ट हटा देंगे और अब हम गाजर को कट कर लेंगे। पहले तो गाजर के हम थोड़े लंबे और थिक पीसेस कट करेंगे। गाजर के टुकड़ों को हम थोड़ा थिक इसलिए रखते हैं ताकि जब ये मैच्योर हो जाए तो खाने में ये अच्छे लगें। अगर आप पतले जुलियन से इसके कट करेंगे, पतले टुकड़े काटेंगे, तो ये गलने के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर खाने में क्रंची नहीं लगेंगे। आप देख सकते हैं इनकी थिकनेस। तो यहाँ पर हमारी गाजर कट कर तैयार है। अब हम ग्रीन चिलीज भी कट कर लेंगे। तो हम इन्हें दो भागों में स्प्लिट कर देंगे। हमारी गाजर और मिर्च दोनों कट कर तैयार हैं। अब हम इनमें नमक और हल्दी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक छोटा चम्मच नमक ऐड कर लेंगे इन दोनों पे। नमक और हल्दी लगाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, ताकि इनमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो नमक से बाहर आ जाए और फिर ये अचार ख़राब नहीं होगा लंबे समय तक। और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी ऐड कर लेंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें 2 से 3 घंटों की धूप दिखाएंगे। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप फैन चला लें और रूम में ही इन्हें रख दें फैन के नीचे, थोड़ा सा दूर दूर, एक कपड़े पे या फिर प्लास्टिक शीट पे। हमें बस गाजर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा नमी निकालनी है, सुखानी है। इतनी देर हमें सुखाना है। तो 2 से 3 घंटे के बाद हम देखते हैं इन्हें। तब तक हम इनके मसाले देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या जाएगा। बहुत कम मसाले जाएंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक छोटा चम्मच क्यूमिन सीड्स लेने हैं, यानी कि जीरा। इन्हें हम भूनकर पीसकर इस्तेमाल करेंगे। और इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच मेथी, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, और आधा छोटा चम्मच फेनल सीड्स, यानी कि सौंफ लेनी है। इसके साथ ही हम राई लेंगे। यहाँ पर हमने काली वाली राई ली है। आप यहाँ पर कोई भी मस्टर्ड ले सकते हैं। काली वाली राई से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ा सा खट्टापन आता है। ये 2 बड़े चम्मच है। और एक छोटा चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इसके साथ ही आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और यहाँ पर हम नमक ले रहे हैं। नमक स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। तो अभी हम मसाले रोस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेथी और सौंफ ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही हम जीरा ऐड कर लेंगे और इन्हें हम अब भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम में हमें मसाले भूनने हैं। जब ये मसाले चटकने लग जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए और इनमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, हम गैस फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका है। अब हम गैस फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। तो अभी पैन गरम है और यहाँ पर हम ब्लैक मस्टर्ड भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इनकी एक्स्ट्रा नमी निकल जाए और इन्हें ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो मसाले ठंडे हो चुके हैं और मिक्सी का हम छोटा जार ले रहे हैं इसे पीसने के लिए, और इसे हम दरदरा पीस कर तैयार कर लेते हैं। मसाले हमारे पीस कर तैयार हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं इन्हें हमने थोड़ा सा दरदरा ही रखा है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम मसाले को किसी ओखली में भी कूट सकते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार में। अब हम यहाँ पर एक बड़ा मिक्सिंग बोल ले रहे हैं और यहाँ पर हमने लिया है 6 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। इसे अच्छे से गर्म किया, उसके बाद ठंडा करके अब हम इसे ऐड करेंगे अचार में। तो हमने यहाँ पर मिक्सिंग बोल में ये तेल ऐड कर लिया है और इसके साथ अब ऐड करेंगे गाजर और मिर्च को। तो ये गाजर और मिर्च हमने 2 घंटे के लिए सुखा लिया है और इनका मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है अब ऊपर,
जो एक्स्ट्रा नमी होती वो नहीं है, इनकी सॉफ्टनेस बरकरार है, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है सुखाने के बाद। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा जब भी आप सुखाएं, ये अंदर से सॉफ्ट होने चाहिए, बस इनकी एक्स्ट्रा नमी इन पर नहीं होनी चाहिए। आप मिर्च को भी देख सकते हैं, ये एज इट इज़ है, फ्रेश है। और अब हम इन्हें ऐड कर लेंगे इस बोल में। हरी मिर्च को जब अचार डालना हो तभी आप कट करें, और इसे काटने के पहले ही सुखा लें इनका पानी, उसके बाद इन्हें कट करके डायरेक्ट अचार में ऐड करें। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसे कलर अच्छा आएगा। और अब हम ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ही कम ऐड होगा यहाँ पर, आधे छोटे चम्मच से भी कम हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर, क्योंकि पहले भी हम ऐड कर चुके हैं। रोस्टेड मसाले जो हमने भूनकर पीसकर तैयार किए हैं वो ऐड कर लेंगे अब। और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे। तो नमक यहाँ पर दो छोटे चम्मच या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। और अब हम यहाँ पर आमचूर पाउडर यानी कि पीसी खटाई ऐड करेंगे, तो ये एक बड़ा चम्मच है। आप अपने स्वाद के अनुसार खटाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चूँकि गाजर स्वाद में मीठी होती है तो इन्हें थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देना बहुत ज़रूरी है, तो इन्हें टैंगी फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करेंगे जिससे इनकी मिठास जाए और ये अचार में थोड़े तीखे, चटपटे और टेस्टी लगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच विनेगर। हमने यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर लिया है। एप्पल साइडर विनेगर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और इसे ऐड करने से हमारा अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, टेस्ट भी इसका एनहेंस होगा, गाजर की मिठास थोड़ी सी कम हो जाएगी और ये अचार बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगा। तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। तो हमारा अचार बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। आप इसे काफ़ी टाइम तक रख कर खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसे स्टोर करें किसी सूखे कांच के कंटेनर में और 2 से 3 दिन की धूप दिखाएं, उसके बाद इस्तेमाल करें। इन्हें छोले भटूरे, छोले कुलचे, दाल चावल या फिर सब्जी रोटी या पराठे के साथ सर्व करें। गाइस रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।